नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दरअसल कल वो मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं, उसके पहले आज वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे और मीडिया के संबोधन में उन्होंने नीतीश सरकार की जमकर बखिया उखेड़ी और नीतीश कुमार को कहा कि वो केवल कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बहुत बदल गए हैं, सरकार जो है पूरी तरह से पलट गए हैं। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। उन्होंने तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है अब उनका ना कोई विचार रह गया है ना कोई सिद्धांत है। लोकतंत्र के मंदिर को भी खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार से सभी नाराज हैं, चाहे शिक्षक हो, युवा हो, किसान हो, कोई खुश नहीं है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से। वो केवल अपने पद की शोभा बढ़ाने के लिए जो है कुर्सी पकड़े हुए हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। तो क्या कह रहे थे तेजस्वी यादव, सुनिए पहले आप। कोई भी वादा या कोई भी इनका घोषणा पत्र में जो चीजें हैं कोई भी पूरा नहीं हुआ। सात निश्चय वन हो, सात निश्चय टू हो, किसी को कुछ पता चल रहा है कि हो क्या रहा? अभी एक ही काम हो रहा है कि कुर्सी बचाओ, कुर्सी बचाओ अभियान में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। अपना जो सत्ता का भूख है उसको बस उसकी पूर्ति में लगे हुए। आप देखिएगा, जो भी हमको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग अनुभवी हैं। लोग जो है सड़कों पर है, लाठियां बरसाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता से कोई संपर्क नहीं है, लोग एकदम कटे हुए हैं और मुख्यमंत्री का एक ही अभियान है कि जोर तोर और किसी भी प्रकार से चाहे कुछ हो जाए लेकिन कुर्सी उनके हाथ से ना जाए। तो हमको तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने कह दिया। दरअसल उन्होंने नीतीश सरकार को तो घेरा ही घेरा, साथ में केंद्र सरकार को भी घेर लिया और कह दिया कि 100 किसानों की मौत हो गई, पर इस पर केंद्र सरकार ने भी चुप्पी साधी हुई है और इधर नीतीश सरकार भी जो है वो भी चुप्पी साधी हुई है। किसान आंदोलन में आखिर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, उनका क्या मत है, उनकी पार्टी की क्या सोचती है इस बारे में वो क्यों नहीं कहते? नीतीश कुमार किसान आंदोलन पर लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? तो तेजस्वी यादव ने जवाब मांगा और उसके बाद कह दिया कि उन्होंने पलटी मार दी, पलटी मारी है और उनकी जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो दिख रहा है, यानी नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। दरअसल बीजेपी उनके ऊपर चढ़ी हुई है। तो तेजस्वी यादव ने तमाम तरह के पोल खोले हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और मानव श्रृंखला में लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है, किसानों के हित की बात की है और कहा है कि किसानों के हित के लिए वो अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मानव श्रृंखला के बाद ही उनका सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है, मानव श्रृंखला के बाद और भी विरोध के तमाम रास्ते जो है सरकार के खिलाफ वो सरकार का विरोध करते रहेंगे इस मुद्दे पर, किसान बिल पर किसानों के साथ वो खड़े रहेंगे। तो नीतीश सरकार को खरी खरी सुना दिया है तेजस्वी यादव ने और कहा है, साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है फिर से जो बिहार में बाजार समिति और मंडी सिस्टम को लागू करे, जो लालू की सरकार में, लालू यादव की सरकार में लागू था, नीतीश कुमार की सरकार ने उसे खत्म कर दिया था, उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, शंखनाद कर दिया है सरकार के खिलाफ और कल मानव श्रृंखला के साथ साथ वो फिर अपने नए अभियान की शुरुआत करेंगे। हालांकि लालू यादव की तबीयत के बीच तेजस्वी यादव परेशान हैं और वो दिल्ली में पिछले दिनों थे और अपने पिता को लेकर इलाज करवा रहे थे, पर मानव श्रृंखला के पहले कल तेजस्वी यादव बिहार पहुंच गए हैं और कल यानी अब 30 तारीख को जो मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और सरकार के खिलाफ वो नया शंखनाद करेंगे तेजस्वी यादव। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेसर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।